हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ मूली और धनिया पत्ते की चटनी। मूली मीन्स मूली के पत्ते, हरी मिर्ची सारा कुछ डाल के उसकी चटनी बनानी हो। कभी कभी धनिया पत्ते का सीजन नहीं होता तो हमें चटनी खाने का मन करता है, पुदीने का भी सीजन नहीं होता, इसलिए मैं धनिया मूली के पत्ते घर में आते हैं, मूली में आती है, मूली के पत्ते हरे हरे होते हैं, उसी में मैं लहसुन हरी मिर्ची नींबू डाल के उसकी चटनी पीस लेती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है पकौड़ों के साथ, ऐसे रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हो। चलिए उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं मूली के पत्ते की चटनी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने लिया है 1 मुट्ठी धनिया, धनिया भी थोड़ा सा डालना है मैंने, और 2 मुट्ठी भर के मैंने मूली के पत्ते लिए हैं जो मैंने धो के वॉश करके रखे हुए हैं। ये इसको भी धनिया पत्ता को भी वॉश किया हुआ है। 2 हरी मिर्ची है, 1 नींबू है, थोड़ी सी लहसुन है। लहसुन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जल्दी जल्दी में ना बहुत पतले इसके छिलके होते हैं, तो अच्छा बहुत पतले पतले इसके छिलके होते हैं तो ये कट नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। तो हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि इसकी ये जो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, बस ये हमने साफ कर देना है। मुंह में छिलके आएंगे नहीं क्योंकि मिक्सी में पिस जाते हैं ये जल्दी जल्दी में। इससे भी छोटे छोटे आते हैं लहसुन कभी कभी सीजन में ना हो तो। ये देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका कट करना है हमने, अपने आप ही सारा उतर जाता है। बस ये थोड़ा बहुत लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी, फटाफट हो जाएगा। बस हो गया, अब हम इसमें डालते हैं सारा कुछ, हाथ से ही हमने कर लेना पत्तों को। लहसुन डाल दिया, दो हरी मिर्ची डाल दी, धनिया पत्ता डाल दिया, फिर से हमने थोड़ी सी मूली के पत्ते इसमें डाल दिए। हमारी हो जाएगी चटनी बहुत मस्त वाली, खट्टी मीठी, खट्टी चटनी, मीठी तो नहीं, खट्टी चटनी तैयार होएगी। सब कुछ इकट्ठा करके हमने डाल देना इसमें, नींबू का रस, एक बार और इनको कर देते हैं। हमारी ये नमक, ये पिंक सॉल्ट है, बस इतना काफी है। इसको करते हैं बंद। अभी इसमें हमने पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, ताकि ये हमारा घूमे। अब देखते हैं चटनी कैसी बनी है। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। चटनी हमारी तैयार हो गई। ये देखिए गाइस, हमारी मूली के पत्ते और धनिया पत्ते मिक्स करके ये जो हमारी चटनी बन गई, बहुत टेस्टी। आप भी ट्राई करना, आप मुझको बताना कैसी बनी है, कैसी कैसा टेस्ट लगा आपको। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्त।